साल में दो दफा वाटर टैंक्स क्लीन होते हैं? आई होप क्योंकि एक दो रिपोर्ट्स तो मेरे सामने से गुजरी हैं, मतलब जिन स्कूल्स में मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स थे या बाद में एक्टिविज्म की वजह से जो मुझे जानते थे तो उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए मुझे एक दो ऐसी रिपोर्ट्स दी कि अब हम आपके कहने कि उसमें बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमसे मांगा तो अब हम देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले देर से ही सही एहसास तो हुआ, इतना ही काफी। आपने जो अपने लिए फील्ड चुनी है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, हिसाब किताब, ये वो बिल्कुल फर्क है एक डेवलपमेंट साइड के एक्टिविज्म से। नेचर, आपने कहा जी मुझे नेचर बड़ी पसंद है, तो ये क्या चक्कर है? बस somehow or the other, असल में मेरी नेचर बहुत चैलेंजिंग है। आई लव चैलेंजेस, मतलब चैलेंज इज वन थिंग दैट कीप्स मी ऑन द गो। अगर मुझे पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर फील्ड में चैलेंज है तो मैं घबराती नहीं हूँ, मैं उसमें छलांग लगा देती हूँ। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग पर्सन। तो मुल्तान में उस वक्त मेरा इरादा बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म की तरफ था क्योंकि राइटिंग से मुझे प्यार है, राइटिंग इज़ माई फर्स्ट लव, और जर्नलिज्म की तरफ था या फिर आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना या नफ्सियात, इनकी बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों से दूरी नहीं है, मतलब इंसानों के करीब तर इस तरह की फील्ड हो। तो somehow or the other I couldn't pursue it क्योंकि आपने प्रोफेशन सिर्फ अपने आप को देखते हुए चूज नहीं करना होता, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एंड अबव ऑल यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स। कि यानी सीए आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, ये मैं नहीं कह रही कि मैं उनके लिए कर रही हूँ। आप समझें कि मुझे लगता है कि इस सोसाइटी को एक टेंजिबल चीज चाहिए दिखाने के लिए। मैंने एक पूरी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैला दी, मेरे पास कोई टेंजिबल चीज तो नहीं है ना देने के लिए, दिखाने के लिए कि देखें मेरी ये सक्सेस है, दिस इज हाउ यू मेजर माई सक्सेस, ऐसे में नहीं कर सकती। और हमारी सोसाइटी मटीरियलिस्टिक है, इट इज़ इनटू मटीरियल थिंग्स। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो इट इज फॉर देम इट इज समथिंग। बहुत काम किया है, आपकी बच्ची बड़ी टैलेंटेड है, अच्छा क्या करती है? जाके स्लम्स में बच्चों को अवेयरनेस देती है। ओके बेटा, आप इसके अलावा क्या करते हो? तो अगर तुम ये कहो कि मैं गरीब बच्चों को जाके एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस देती हूँ तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। और क्या करते हैं आप? तो शायद मुझे उस वक्त लगा कि ये सवाल मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि वो जितना सिंसियर हैं मेरे लिए, मेरी सक्सेस के लिए, और आखिर में उनको ये सुनने को मिले कि आपकी बच्ची ने कुछ नहीं किया, तो शायद इस वजह से मैंने किया। आप में बड़ा पछताती भी हूँ, ये फील मेरे बड़े ऑपोजिट है। बाद में बहुत दफा एहसास हुआ कि गलत डिसीजन हो गया, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोबारा वहाँ चले जाएं जहाँ ये डिसीजन हुआ। रिवाइंड नहीं होती ना, यही तो मसला है। रिवाइंड नहीं होती इस टेप के अंदर, यही बड़ा मसला है, रिवाइंड नहीं होती, ये सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट जा रही है। लाइव ब्रॉडकास्ट। अब मैं आजकल अपनी अम्मी अब्बू का माइंड डेवलप करती हूँ, उन्हें मैं अखबार से और किताबों से वो एग्जाम्पल्स ढूंढ के दिखाती हूँ कि लोगों ने पढ़ा लेकिन वो काम नहीं किया। बेसिकली मैंने मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं सीए कर लूंगी लेकिन आऊंगी फिर मैं आऊंगी बच्चों और एनवायरनमेंट से। तो वो कहते हैं कि तुम जितनी अनप्रेडिक्टेबल हो ना तुम कुछ भी कर लोगी। अब हम इसमें बहस नहीं करते तुमसे कि तुम क्या करोगी। राफिया हमारे साथ मौजूद है, राफिया सलीम, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, बस इसी तरह के काम करती हैं। एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इनसे हम इनकी एक और कहानी सुनेंगे कि वो भी कुछ इस तरह की छोटी सी उम्र में इन्होंने इंडिविजुअली हाई कोर्ट में जाके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही एक केस था, एक इशू था जिसके ऊपर, एक इशू था जिस पर इन्होंने केस कर डाला और वकील भी हायर नहीं किया, हाईकोर्ट में खुद जाके अपने आप को प्रेजेंट किया था और वो केस विन किया था। रहिए मेरे साथ, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। गुड, वेरी गुड। यह है सुबह पाकिस्तान और सुबह पाकिस्तान में राफिया सलीम आज मेरा साथ दे रही हैं, एक यंग एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। और अच्छा, ये एक्टिविस्ट क्या होता है, वो जो सड़कों पे आके ऐसे जुलूस निकाले? इन पार्ट, असल में ना जो आप कर रहे हो ना उसका सामने आना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक मीडिया उस बात को हाईलाइट नहीं करेगा ना आप बैकग्राउंड में ही रहेंगे, आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड में रहेगी। शुरू में मैं भी इस बात को बड़ा गलत समझती थी कि ये क्या ब्लैक आउट उठा के सड़कों पे आ जाओ, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि शायद इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपका कोई ऐसा बॉटल नेक है जो रिमूव नहीं हो पा रहा, आप इंडिविजुअली इसको धक्का लगाते रहे बात नहीं बनेगी। प्रिंट मीडिया में आए एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन डिपार्टमेंट जरूर क्लैरिफाई करेगा कि हम इसके साथ कॉपरेट क्यों नहीं करना चाहते, हम इसका काम क्यों नहीं कर रहे। तो एक्टिविज्म के या लिए ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं कम से कम कोई कुछ कोई तो एक्सप्लेनेशन आएगी, खामोशी तो टूटेगी कम से कम, जो कि टूट नहीं रही समहाउ और दैट है, तो वो अब बड़ा जरूरी है। एक्टिविस्ट का एक पार्ट है सड़कों पर आके नारे लगाना,
इसके अलावा वो उसने पीछे लोगों को मोबिलाइज भी करना है, कन्विंस भी करना है, रिसर्च भी करनी है, आगे प्रेजेंट भी करना है, ये सब जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो लोगों के सामने आता है। लोग समझते हैं कि सामने आके नारे लगाए देखो ये मशहूर हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क होता है, बहुत से लोगों की कोलैबोरेशन होती है, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना उसने परस्यू किया होता है बहुत लॉन्ग टर्म में उस चीज को, क्योंकि एकदम से कोई मसला इशू बन के मीडिया के सामने नहीं आता और एकदम से कोई शख्स मशहूर भी नहीं होता। जो हाई कोर्ट वाला वो केस वाली कहानी है, वो हमें आप बताओ कि वो एक लड़कियों का हाई स्कूल था जिसके बराबर में एक पब्लिक टॉयलेट बनाया जा रहा था, पब्लिक टॉयलेट भी बनाया जाती है, इससे पहले फिल्थ डिपो था उसके साथ। ये एनवायरमेंट और जेंडर दोनों का ही एक इशू था, उसके बारे में बताओ क्या इशू था और फिर क्या हुआ। अच्छा, बेसिकली उस पर ज़रा ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ कि मेरी अम्मी जी हैं, शी इज़ एसोसिएटेड विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाती थी। तो आते जाते बहुत दफ़ा देखा शायद इतना हिट नहीं कर रहा था, तो फिर जब अम्मी आके बड़ा कंप्लेन करती थी ना कि बड़ी स्मेल होती है और वो तो मतलब एक समझे ना कि मेंटल टॉर्चर है स्कूल में काम करना, तो मैं तो जल्दी से ट्रांसफ़र कराती हूँ यहाँ से मतलब स्कूल को छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ का पानी ख़राब फिल्थ डिपो की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा लो लाइंग एरिया में था वो स्कूल, पानी भी खराब है और जिस किस्म का मतलब खाने की चीजें वहाँ बदबू भी आती है, मक्खियां भी हैं, मतलब एक अजीब ही माहौल है। तो मैंने सोचा कि अगर हर शख्स एक सीन से भागना शुरू कर देगा तो सही कौन करेगा, आखिर किसी को तो सही करना है ना। अम्मी ट्रांसफर करा रही है, कितनों की अम्मी ट्रांसफर कराएंगी। अच्छा, सब भी करा लें तो वो बच्चे तो ट्रांसफर नहीं हो सकते ना, और वो बहुत ही गरीब आबादी का स्कूल है कि मतलब वो बच्चे किसी और जगह जा भी नहीं सकते, उनके पास इतनी भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो रक्षा या टोंगा करके साथ वाले स्कूल में चले जाएं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं, दूसरे करीबी स्कूल में जाएं, करीबी स्कूल में भी नहीं जा सकते, इसलिए स्कूल को बंद भी नहीं किया जा सकता। अब बच्चे इतने सारे पढ़ते हैं कैसे उन्हें निकाल दें कि आप ना आए, और वो प्राइमरी से लेकर तो हाई तक स्कूल है वो। अच्छा, तो मैंने अम्मी से कहा कि आपकी जो हेड हैं स्कूल की वो इसके बारे में करती क्यों नहीं है कुछ, तो कहती हैं कि वो जी एक चूँकि गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे अगेंस्ट लड़ेंगी ये तो कोई बात नहीं है। तो कहती हैं वैसे एक काफ़ी मोटी सी फाइल बनी हुई है जो ओवर द ईयर्स कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है इस इशू पर, तो अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो वो मैं तुम्हें ला देती हूँ। अच्छा, वो मोटी सी फाइल नहीं आई, उस मोटी सी फाइल में forwarded to the next department, forwarded to the next department, और forwarded for explanation to a lower department and all that. इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ forward, 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 यानी कि हर आने वाला वजीर एक उम्मीद दिलाता रहा, हर MPA, हर MNA, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वगैरह भी रेज हुए जो लोकल MPAs हमारी बनी थी एरिया की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। मैंने सोचा अब इसका एक हल है जो अब तक हम में से किसी ने शायद उसको उसके बारे में सोचा नहीं है, तो क्यों ना हम कोर्ट में अपील करें। तो उन दिनों जुडिशरी क्राइसिस भी थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए थे, तो उस वक्त एकदम से अदालतें भी ये चाह रही थीं कि ह्यूमन रिसोर्स के जिन इश्यूज पर काम करने की वजह से समहा और द अदर इस पर जुडिशरी मसले में है उनको छोड़ा ना जाए ताकि स्टांस मजबूत हो। तो समहा और द अदर मुझे लगा कि अब टाइम है कि लोहा गर्म है, अब कुछ किया जाए। तो अब्बू मेरे बहुत पार्टिसिपेटिव, एक बार लॉयर को दिया तो उसने तो प्रिलिमिनरी हियरिंग में ही डबो दिया केस को, तो मैंने कहा इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना, कि वो बेसिकली ये नहीं एस्टेब्लिश कर सके कि मैं एक अग्रीव्ड पर्सन हूं या नहीं, कि उसके लिए आपने एस्टेब्लिश करना है हाई कोर्ट में कि जो केस कर रहा है वो अग्रीव्ड पार्टी है, और आप तो एक तरह से ना स्कूल में पढ़ती हैं ना आप वहां पढ़ाती हैं ना मैं वहां रहती हूं तो डायरेक्टली आप अग्रीव्ड पार्टी नहीं, डायरेक्टली तो मैं नहीं हूं ना। तो वो उससे क्वेश्चन किया अग्रीव्ड पार्टी का, तो ही वाज ब्लैंक, और शाम को उसने हमें फोन करके बताया कि सॉरी अपील आगे नहीं चल सकती। मैंने कहा अब लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा, खुद जंप लगानी पड़ेगी, ये मुझे नहीं लगता ये भाई साहब कुछ कर सकते हैं ना। तो अबू ने कहा कि मैं आई एम विद यू। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी ये जब कही बात है? इट वाज 19, 1920। अच्छा, तो अबू ने कहा कि हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मेरे फादर का काफी एक्सपोजर है लीगल इश्यूज में भी ना, तो कहते हैं कि वो मैं आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कराने में हेल्प कराता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं तो मैं उसको सबमिट भी करा देता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो वो भी नहीं फाइट कर सकते थे। ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु हैज टू स्पीक आउट। तो अगर तुम समझती हो कि तुम बोल लोगी तो मुझे तुम्हें सपोर्ट करने में कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आप करें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब दाखिल कराए
डॉक्यूमेंट्स वगैरह और प्रिलिमिनरी हियरिंग की डेट आ गई, वो वही हियरिंग की डेट थी जिस पे डू और डाई डिसीजन होना था कि ये चल सकती है या नहीं चल सकती। और मेरे लिए एक पर्सनल चैलेंज भी था कि उसने कहा कि नहीं हो सकता और मैं कह रही हूँ कि हो सकता है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये हो सकता है। और मैंने इससे पहले कभी कोर्ट रूम का सीन और कोर्ट रूम का एम्बियंस ये सब मेरे लिए बहुत अनफेमिलियर था, क्योंकि मैं बड़ा पढ़ाकू किस्म का बच्चा हूँ, इन सब चीज़ों में तो मेरा एक्सपोजर नहीं है ना। तो वहाँ पे पहुँचे, मैंने देखा कि लोगों को बड़ी डांट वगैरह पड़ रही है, बहुत टाइट एनवायरनमेंट है, यानी एक बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है ना, वो कुछ बच्चों का खेल तो नहीं है ना कि वहाँ हर बच्चा खड़ा हो गया जी अस्सलाम वालेकुम मेरा ये मसला आप ये हल करें, ऐसा तो नहीं हो सकता वहाँ पे। अच्छा जी, अब ऐसे हुआ कि पहले मेरा नाम जब पुकारा तो वो काउंटर पार्टी के जो लॉयर गवर्नमेंट की साइड की तरफ से आए थे वो मौजूद नहीं थे ना, तो उन्होंने कहा कि आपकी हम इस सेशन के एंड पर आपकी अपील को लेंगे, आप अभी बैठे बैठे। जब दोबारा किया तो मैं बड़ा डर रही थी कि अभी जैसे सबको डांट पड़ी थी ना ऐसे ही मुझे पड़ेंगे, कहेंगे बीबी आपको पता कुछ था नहीं और आप आ गई है ना, और आपने ये कैसे सोच लिया कि हर बच्चे का मसला है, हर बच्चे का मसला कोर्ट तो हल नहीं कर सकती ना, आप वो करें। लेकिन जुडिशरी वॉज सिंपली मार्वलस, मुझे इतनी खुशी हुई कि जो उस वक्त वहाँ जज मौजूद थे उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और इतना उन्होंने मुझे इनक्रेज किया, और उन्हें जो सामने बाकी के जजेस आए हुए थे उनकी इतनी क्लास ली, कहते हैं यार आप लोग सब काम पैसे के लिए करते हो, वो बच्ची है वो स्टूडेंट है, जब वो पब्लिक गुड की सोच सकती है तो आप लोग क्यों नहीं, आपने इतना कुछ सोसाइटी से लिया है और कुछ भी वापस नहीं किया, और इसने तो शायद अभी कुछ लिया भी नहीं है और उसको अभी से वापस करने की फिक्र है। मैं बहुत इनकरेज हुई ना, तो उन्होंने कहा बेटा ये केस हम चलाएंगे और आप इंशाल्लाह आप जीतोगे, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हालांकि ये केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। फिर काफी अरसे तक ये इशू चलता रहा। फिर केस क्या था, आपने प्ली क्या ली थी, क्या होना चाहिए कि वहां से वो डंप हटना चाहिए, फिल्थ डिपो हटा दें क्योंकि उसकी स्मेल का इशू है, ठीक है फिल्थ डिपो हटा दें। और वो टॉयलेट वाली क्या कहानी, पब्लिक टॉयलेट वाली मैं आपको बताती हूँ क्या कहानी, फिल्थ डिपो हटाएं और वो प्लॉट दे दें स्कूल को ताकि एक्सपेंड हो जाए, ठीक है वहाँ पे बच्चे खेलेंगे अच्छा माहौल हो जाएगा। अच्छा अभी ये चली रही थी एप्लीकेशन, तो एक दिन वो आए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज है मुल्तान में, एक हियरिंग पर ना वो आए तो कहते हैं कि वो मसला तो हमने हल कर लिया है। मैंने कुछ दिनों में ये नोटिस किया कि वहाँ दीवार गिरना शुरू हो गई है, जो फिल्स टिपू की चारों साइड पे दीवार थी एक साइड से दीवार गिरना शुरू हो गई, तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा दीवार क्यों गिरा रहे हैं, बल्कि अच्छा था दीवार बनी रहती वो अपनी दीवार गिरा के एक्सपेंड कर लेते, वो बाउंड्री क्यों तोड़ रहे हैं इसकी। तो इतने में मेरे अबू गए और मतलब इर्द गिर्द के लोगों से मालूम किया, तो वो कहते हैं कि यहाँ तो सुना है कि कोई पब्लिक टॉयलेट्स का प्रोजेक्ट। मैंने कहा ओहो हो ये क्या हुआ, एक मसले को हल करने लगे दूसरा उठ गया। तो आके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज कहते हैं कि अब तो ये मसला वैसे ही हल हो गया है क्योंकि हमारा WB से प्रपोजल गया हुआ था वो मान लिया उन्होंने, वो ग्रांट आ गई। वो कहते हैं अब इधर पब्लिक टॉयलेट बन जाएंगे। तो और ये कितने साल से था फिल्स डिपो? फिल्स डिपो तो ये प्री पार्टीशन है, स्कूल भी प्री पार्टीशन है। काम खत्म हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए। अब शाम को मैंने अबू से कहा ये क्या हुआ, ये तो पासा ही पलट गया, केस हारने और जीतने वाली तो पॉइंट ही नहीं रहा ना, तो मसला ही और गया। कहते हैं आप परेशान ना हो, हम मिसलिनियस पिटीशन करेंगे। मिसलिनियस पिटीशन की और उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया, सारी कंस्ट्रक्शन रोकें, कुछ नहीं गिराना कुछ नहीं तोड़ना जब तक कि इसका फाइनल फैसला नहीं होता, आपने कुछ नहीं करना। और इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज इतने तंग आए मुझसे और मेरी एक्टिविज्म से कि उन्होंने कहा कि हमने WB को हाथ जोड़ के ग्रांट वापस कर दिए, प्लीज अब उस इशू को मत छेड़े। जो फिल्स टिपू का इशू है वो ये है कि उसको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि बाकी जो प्लॉट्स शहर में मौजूद हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रक अंदर तक आ नहीं सकता फिल्स को उठाने के लिए, तो उसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो मसला है कि वो कूड़ा करकट वहीं पड़ा रह जाएगा और वो मजीद मसला जो है ना कंपाउंड करेगा, हल नहीं करेगा, तो उसको आप उधर ही रहने दें। हाँ जो आपका पॉइंट है स्मेल वगैरह का, तो हम मतलब इस चीज़ को आप अजर्ट करते हैं कि इसको रेगुलर बेसिस पे साफ किया जाएगा और कवर्ड कंटेनर्स यहाँ पे रखवा दी जाएंगे। दो उन्होंने रखवाए और बाकी का उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट ग्रांट आने पर करेंगे, बाकी रखे तो नहीं थे नेक्स्ट ग्रांट आने पर, लेकिन मसला समहाउ और द अदर कुछ कुछ रिजॉल्व हो गया। लेकिन कोर्ट का मुझे डिसीजन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सारे मतलब फाइनल जजमेंट के बाद मेरा ये राइट रिजर्व रखा है कि मैं किसी भी वक्त अगर नोटिस करूं कि वहां पे मसला मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हल नहीं हुआ तो मैं दोबारा जा सकती। यानी कि जो फिल्थ डिपो था यानी ओपन जो कूड़ा करकट था उसकी जगह कवर्ड कंटेनर्स ताकि उसकी बदबू बाहर ना जाए। कवर्ड कंटेनर्स अब वहाँ पे दो है मौजूद? हाँ दो है, कभी कभार वो उठ भी जाते हैं, फिर मैं दोबारा खत लिखती हूँ दोबारा आ भी जाते हैं। मुझे लगता है रफिया तुमने जिंदगी भर ना
वो तुम्हारा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको तुम्हें साथ साथ इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। असल में वो